नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अस्मानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की ओर। लखनऊ में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बड़ी प्रेस वार्ता की और वही प्रेस वार्ता कर निकाय चुनाव के लिए अपील भी जारी की है। इस मौके पर मीडिया को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के शहरों की समस्याओं के लिए भाजपा जिम्मेदार है। शहरों के नगर निगमों पर सबसे ज्यादा समय भाजपा का कब्जा रहा है। आगे अखिलेश ने कहा कि चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर वाराणसी ही क्यों ना हो, हर जगह के नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इन शहरों में सड़कों पर गड्ढे हैं, नालियां खुली पड़ी हैं और गलियों की दुर्दशा है। भाजपा के लोगों ने नगर निगम में सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। आगे उन्होंने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। इन शहरों पर मेयर कोई बनकर के रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लखनऊ देख लें, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का यहां कब्जा रहा है। कानपुर में उन्हीं के दोनों इंजन है, दोनों सरकारें, और अब सरकार ये कहती ट्रिपल इंजन चाहिए। ये ट्रिपल इंजन तो बहुत दिनों से चल रहा था, लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की है। वहीं इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा का प्रदेश के विकास के लिए विजन स्पष्ट था। उन्होंने देश की आजादी के लिए कई आंदोलनों में सक्रिय भागीदारी भी निभाई थी। इस दौरान उनके साथ मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, प्रमुख गृह सचिव संजय प्रसाद समेत तमाम अधिकारियों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो रेल सेवा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। इसके अलावा केरल को अपनी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी भी दिखाई गई है। ये वंदे भारत एक्सप्रेस तिरुवनंतपुरम से कासरगोड तक चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुवनंतपुरम सेंट्रल स्टेशन पर केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि ये जानकारी ये भी है कि वंदे भारत ट्रेन 11 जिलों तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, पठानमिट्ठा, मलपुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड को कवर करेगी। अचानक मौसम ने एक बड़ी करवट बदल ली है, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव हुआ। वही कई जिलों में बेमौसम बारिश और आंधी भी आई और आंधी चलने से न जाने कितने हादसे हुए। और एक ऐसा ही हादसा रायबरेली से सामने आया, जहां एक गरीब का आशियाने में दो मासूमों सहित चार लोग मलबे में दब गए, जिसके बाद पड़ोसियों ने मलबे में दबे लोगों को निकाला और वहीं एक महिला की हालत गंभीर है, उसको जिला अस्पताल भी रेफर कर दिया गया है। मामला सरेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पटली खेड़ा गाँव का है। मौके में तो हम घर पे नहीं थे, हम मतलब हमें फसल कटरवा रहे थे, मगर यहाँ पर बहू और लड़का और नाती और नाती छप्पर के नीचे थे। वो लोग चारों आदमी दब गए, मगर बहू और लड़के जख्म आया और नाती और नाती के से बच गए। अच्छा, तो जख्मी कितने लोग हुए हैं? जख्मी दो आदमी। अब उनकी कितनी चोट है ये वहाँ पर मतलब उनका एक्सरा वगैरह हो रहा है, अब ये वहाँ पर पता चलेगा रिपोर्ट निकलने के बाद। अच्छा, और यहाँ पर जो है जानवर ऑनर या अन्य कोई और कोई नुकसान नहीं हुआ? नहीं, जानवर थे नहीं साहब अपने। तो वहीं औरैया में भी तेज रफ्तार की आंधी से बड़ा हादसा हो गया है। एक बाड़े से उड़कर आई टीन 10 साल की लड़की के लिए मुसीबत बन गई और टीन से एक बच्चे की गर्दन कट गई। बच्ची को घायल अवस्था में शहर के जिला अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिससे बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर अब पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। क्या नाम है आपका? उस्मान। क्या घटना हो गई? दीवार गिरी है,
बगल वाले की। किसका घर था बगल में? साबुद्दीन। अच्छा, आंधी में? हाँ जी, हवा में। क्या ये, क्या नाम इसका बच्ची का? रोशनी। कितनी उम्र होगी? 10 साल। रहने वाले कहाँ थे? कानपुर कटरा मोहल्ला। कितने बच्चे हैं? और बच्चे हैं? कल दिनांक 24/4/2023 को सूचना प्राप्त हुई थी कि दिन में आंधी तूफान के दौरान एक टीन गिरने से एक बालिका, 10 वर्षीय बालिका जिसका नाम रोशनी था, रोशनी पुत्री उस्मान, उनकी घायल हो गई थी। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इसमें सरकार की ओर से जो योजना है उसके अंतर्गत, दैवीय आपदा के अंतर्गत इनको समुचित धनराशि प्रदान की जाएगी, सहायता राशि दी जाएगी, जिसके लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और शीघ्र ही इसको धनराशि का भुगतान हो जाएगा। 4 लाख रुपए की धनराशि का उसमें। तेज आंधी के चलते एक और यह जनपद में बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि कल तेज आंधी के चलते एक 10 साल की मासूम जो स्कूल से चलकर घर की ओर जाई थी, घर से कुछ ही चंद दूरी पर एक हैंडपंप लगा हुआ था जिसको पानी पीने के लिए बच्ची रुकी, उसी दौरान एक टीन शर्ट उड़ के आता और बच्ची की गर्दन में लग जाता है, जहां पर मोहल्ले के लोगों ने आनंद फानंद में उसको औरैया के 50 सैया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। जब इस संबंध में आज तहसीलदार रणवीर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि देवी आपदा के लिए बच्ची के परिजनों को सरकार द्वारा 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। प्राइम टीवी के लिए जय दत्ता की रिपोर्ट, औरैया। बिजनौर में एक अज्ञात महिला का गन्ने के खेत में शव मिलने से सनसनी फैल गई। बता दें कि खेत से सड़ी गली लाश में से जब तेज बदबू आने लगी तो खेत पर काम करने वाले लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मौके पर पहुंचे एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने बताया कि लगभग 15 दिन पुरानी सड़ी गली लाश खेत में पड़ी मिली है, जिसकी जाँच करने में पुलिस भी जुटी हुई है। वही फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच कर सबूत जुटाने में जुटी हुई है। 15 दिन के आसपास पुरानी ये डेड बॉडी लग रही है। अभी फील्ड यूनिट हमारी आ गई, डॉग स्क्वाड आ गए, कार्रवाई हो रही है, शीघ्र ही इसका अनावरण करेंगे। तो पहचान हो पाई है? नहीं, पहचान नहीं हो पाई अभी। सड़ी गली अवस्था में क्योंकि ये लाश है, इसलिए कोई पहचान अभी तक नहीं हो पाई इसकी। रायबरेली में तेज तूफान के कारण गांव के पास बाग में हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, लेकिन किसी को इसकी जानकारी नहीं हो पाई। वही गिरी हुई एचटी लाइन में संचारित हो रहे करंट की चपेट में आने से 10 वर्षीय बच्ची की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वह इस पूरे मामले की जानकारी मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया। ग्राम प्रधान की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। मामला ये है कि बिटिया मतलब गई थी आम आम दिन में खेत गई थी और तार 11,000 लाइन गिरी थी, तो उसमें वो डांटने को किया तो उसी पे पैर पड़ा और लाइन चालू थी और गिर के मौत हो गई उसकी। बिजली विभाग वाले कोई आए नहीं है? बिजली विभाग वाले लाइन मैन आ गए हैं, बाकी जेई को भी सूचना दे दिया गया है, वो आ रहे हैं, बाकी क्लेम व्लेम के लिए अपना पूरा काम करेंगे। अच्छा, पुलिस प्रशासन को? हाँ, थाने को भी, कोतवाल को भी सीयूजी नंबर पे कॉल कर दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए। खबर फरीदाबाद से है, जहां सिविल अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर्स के मरीज के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। एक्सीडेंट होने के बाद पीड़ित मां और बेटी डॉक्टर के पास MLR कराने पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टर ने मनमानी की है और डॉक्टर की मनमानी भी अब सामने आई है। दरअसल डॉक्टर ने मां बेटियों को धमकी देकर बाहर भगाया। पीड़िता ने डॉक्टर के दुर्व्यवहार की सारी तस्वीरें मोबाइल में कैद कर ली हैं। वहीं पीड़ित परिवार ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर डॉक्टर के खिलाफ अस्पताल में रोष भी दिखाए हैं और इसके साथ ही सिविल सर्जन की को ज्ञापन भी सौंप दिया गया है। हार्डवेयर चौक पे जो गोल चक्कर है वहाँ से ले रहे थे, तो पीछे से कार आई और टक्कर मार के चली गई। ये आप देख सकते हो, बेटी के ना बेटा जरा चेहरा इधर, ये आप देख सकते हो बेटी का जो चेहरा जो घिसा हुआ है। तो फिर आप इलाज के लिए कहाँ पहुँचे थे? इलाज के लिए वो पहले वो लेके गए थे, जिस लेडीज ने मतलब एक्सीडेंट किया था वो तो भाग रही थी, बट मेरे हाथ में पेन हो रहा था तो चलाया तो पब्लिक ने उसे रोका था।
फिर वो मेरे को हॉस्पिटल लेके आई थी वहाँ तक, फिर उसके बाद वो मेरे को दिखी नहीं कहीं भी। फिर उनका हस्बैंड तो उन्होंने दवाई वगैरह कराई थी और वो तो मेरे को कहीं दिखी नहीं थी बाद में। फिर यहाँ पे आए थे हम लोग, इन्होंने तो मना कर दिया। ये राम जी में थे। ये बेटी है, इसका एक एक्सीडेंट हो गया था और इसके इसके जो परिवार वाले है इसका मेडिकल कराने के लिए हॉस्पिटल आते हैं, तो ये कल की बात है। और डॉक्टर साहब एक सरदार जी हैं, मैं नाम शायद उनका नहीं जानता, स्वर्णूर है। इनके परिवार को भगाया जाता, इनका मेडिकल नहीं कराया जाता बच्चे को। और उसमें ये सुशील भाई हमारे जाते हैं, इनको बोलते हैं कि इनको भगाओ यहाँ से। इन्होंने बोला जी ऐसा क्यों है, तो बोले नहीं नहीं ये यहाँ नहीं रहेगा और ये मेरा ऑफिस है, मैं जिसको चाहूँ मैं यहाँ बिठाऊंगा, मेरी मर्जी में कुछ भी। यानी अपनी जो डॉक्टर साहब की जो पावर 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 है ना, उसका गलत नहीं। डॉक्टर पैसे तो नहीं मांगे, मेडिकल कार्ड नहीं है। नहीं ये संज्ञान में नहीं है जी। कहाँ पर तैनात है डॉक्टर साहब? जो डॉक्टर साहब बीके हॉस्पिटल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील है। सुशील जी प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है, किस लिए प्रदर्शन? ये मांग इसलिए है कि लड़की का एक्सीडेंट हुआ था कल, और एक्सीडेंट के बाद एमएलए कटवाने के लिए हम यहाँ पर आए थे बीके में। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि पहले आप पुलिस को बुला के लाओ तो एमएलए काटेंगे। जब मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर साहब बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं एमएलए काट देते हैं। मेरे से बोला आपको मैंने पहले कभी देखा, आप आए हो? मैंने कहा मैं आया हूँ, मैं बाहर चला गया, ये भाई थे और इनके लड़की पिताजी थे वो अंदर रह गए, तो इनको बाहर भेजा कि सुशील को बुला के लाओ, मुझे बुला के लाओ। मैं अंदर गया तो मुझसे बोला आप पहले किस साथ आए थे? मैंने कहा टिंकू के साथ आया था, कि टिंकू ने पहले भी डॉक्टर सरदार जी हैं मतलब एप्लीकेशन दे रखी है, वो एमएलआर काटने में ऐसी आनाकानी करते हैं, काटते नहीं है एमएलआर, पुलिस को बुला के लाओ। तो मैं तुम्हें को बोले आप टिंकू साथ आए थे? मैंने टिंकू साथ आया था, क्योंकि आपने शिकायत दे रखी है। यूपी में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच संबल नगर पालिका परिषद चेयरमैन पद की प्रत्याशी रुखसाना इकबाल को हाजी अशरफ किदवई ने समर्थन दे दिया है। वही विधायक इकबाल महमूद और उनके साथ आए पदाधिकारियों का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। बताते चले कि अशरफ किदवई सांसद शफीकुर्रहमान बर्क के खेमे से चुनाव को तैयार कर रहे हैं, लेकिन समर्थन किसी दूसरे को मिल गया और सांसद खेमे के दो प्रत्याशी उनके खिलाफ हुए और नाता भी तोड़ दिया। अभी जुगनू खां विधायक खेमे में नहीं गए हैं, लेकिन अशरफ ने सारे पत्ते खोलते हुए खुलेआम समर्थन दे दिया है। और मैंने प्रस्ताव भेजा था मंत्री साहब के पास और कहा था उनसे कि अगर आपको, अगर मैं फिर बैठता हूँ आपके लिए तो मुझे चुनाव लड़ाएं, कहीं ना कहीं मेरी वीकनेस रही होगी, कमजोरी रही होगी, और इंशाल्लाह मैं आगे पूरी करूंगा और आगे उम्मीद भी रखूंगा मंत्री साहब से। अब कितना दमखम दिखाएंगे आप इस चुनाव में? नहीं, इंशाल्लाह मेरी बिरादरी साथ है, हमारे साथ है पूरी, और बहुत अच्छे वोटों से हम रुखसाना जी को चुनाव जिता करके लेकर के जाएंगे इंशाल्लाह। और आगे भी जहाँ हमें लगेगा कि वहाँ जाके कोई नाराज है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बंदी हो जाती है, उन सबको मनाने का काम, उनको मांगने का काम अल्लाह ताला। और अखिल साहब अपनी से अलग कर रहे हैं, आमिर बैठे हैं, ये भी अपना एक ग्रुप है यूथ का, तो हम लोग हमारे परिवार में तीनों लोग यूथ जा सकते हैं और इन शाला तीनों सारा बाकी के लिए काम करेंगे, पूरी ताकत से करेंगे। और अफसोस कि हमें वहाँ से समर्थन नहीं मिल सका, और क्योंकि टिकट जो है वो रुखसाना इकबाल को पार्टी की तरफ से मिला है, और हम पार्टी के साथ हैं और इंशाल्लाह रहेंगे, और संभल हमेशा से पार्टी समाजवादी का कर रहा है। आपने एक बात कही थी अशरफ साहब कि मैं जिसको चुनाव लड़ाऊंगा वो जीतेगा, इंशाल्लाह। कितना दावा है इस बात में? इंशाल्लाह, जो वोट बैंक हमने बनाया है, जो मेहनत की है, जो वोट हमारे साथ है, शहर के जो लोग हमारे साथ हैं, वो ये दावा करते हैं कि जहां आप जाएंगे वहां हम चुनाव लड़ाएंगे और समाजवादी को इंशाल्लाह वोट करेंगे, हमारे साथ रहेंगे। आज हमने रुखसाना इकबाल को जो है समर्थन दिया है, इंशाल्लाह वो सारे लोग यहां मौजूद हैं, हर बिरादरी से, हर महल्ले से, हर बस्ती से। हम मगर किसी वजह से उनको टिकट नहीं हुआ, ये समाजवादी हैं, थोड़ा भटक गए थे, कोई बात नहीं है, ये हमारे घर के थे, घर के ही रहेंगे इंशाल्लाह। जो इज्जत इनकी थी दिल में हमारे, वो बरकरार रहेगी, कोई कमी नहीं आएगी, और समाजवादी पार्टी संभल के अंदर चेयरमैन को जीतने का पूरा पूरा इरादा रख रही है और इंशाल्लाह अच्छे वोटों से जीत के रख जाएगी। विधायक जी, क्या नहीं लगता कि सपा में गुटबाजी शुरू हो गई है, एक तरफ सांसद का खेमा और एक तरफ आपका, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने तो हमेशा ही संभल में समाजवादी पार्टी की मुखालफत ही की है, जबकि वो अपने आप को
फरीदाबाद में हर साल की तरह इस साल भी 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। वह स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया दिवस के अवसर पर जागरूक रैली का आयोजन किया गया और केवी के अस्पताल से स्वास्थ्य विभाग और मलेरिया विभाग के डॉक्टरों ने आज मलेरिया दिवस के अवसर पर रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया है। बता दें कि लगातार डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी घातक बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि घर में कूलर, कबाड़ा, गंदा पानी इकट्ठा होने की वजह से डेंगू जैसी बीमारियां पनप रही हैं। क्या नाम सर आपका? डॉक्टर पी के अरोड़ा, बायोलॉजिस्ट। सर आज मलेरिया दिवस मना रहे, क्या है इसमें? मेन ये है कि ये मलेरिया डेंगू मच्छर के काटने से होता है, मच्छर पानी में पैदा होते हैं, तो हम सबकी जिम्मेवारी है अपने घर के अंदर कूलर है, टायर है, टंकी है, घर के आसपास पानी का टोटा होता है, हम सबकी जिम्मेवारी है कि हम इसको पनपने ना दें। तो सारे अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो इस बीमारी को हम जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो आज लोगों किस तरह से अवेयर? अब ये हर सीएससी, पीएससी, हेल्थ सेंटर जितने हैं, हम सब ये प्रोग्राम अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को इन्वॉल्व किया जाए और इस बीमारी को जड़ से खत्म किया जाए। सर चालान क्यों नहीं काटते हैं लोगों के जिनके यहाँ पर गंदगी है? इस पे मैं लोगों को अवेयर करना है। मेरा नाम आनंद है, मैं एमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट पे हूँ। आनंद जी, मलेरिया दिवस मना रहे हैं, क्या मकसद है लोगों को, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जिन लोगों को जागरूक करना है कि पानी इकट्ठा ना होने दे, जैसे बारिश का पानी कई बार जगह जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसको उसमें या तो कुछ तेल वगैरह डाल दें जिससे कि मच्छर ना पनपे पाए उसमें। अगर पानी कहीं पे भी 3 दिन से ज्यादा खड़ा रहता है तो उसमें मच्छर बनने शुरू हो जाते हैं अपने आप ही। तो हम लोगों को अवेयर करें कि कहीं पे भी पानी इकट्ठा ना दे, जैसे चिड़ियों के लिए पानी रख देते हैं तो उसमें भी मच्छर बन जाते हैं दूसरे तीसरे दिन, और वो उन्हीं लोगों को काटते हैं। हालांकि हम मतलब लोग ये सोचते हैं कि हम धर्म पुण्य का काम कर रहे हैं, लेकिन आसपास के लोग उससे बीमार हो जाते हैं क्योंकि मच्छर काटता। फरीदाबाद में एंटी करप्शन ब्यूरो और वकीलों की लड़ाई सड़क पर आ गई है। बता दें कि आज एसीबी कर्मचारियों से नाराज वकीलों ने हड़ताल कर दी है। दरअसल कुछ दिनों पहले एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने अदालत परिसर में छापा मार कर अहमद और रीडर को गिरफ्तार किया था। ये आरोपी चालान के लिए डेट देने के नाम पर सुविधा शुल्क ले रहे थे। वहीं एसीबी ने एक वकील की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया था। कोर्ट में पेशी के दौरान वकीलों और एसीबी के दौरान हाथापाई भी हो गई थी। देखिए, हमारे वकीलों के साथ इतनी जाती हुई है, उनके साथ बदतमीजी हुई है, कोर्ट में हमारा बकरतनामा फाड़ दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो टीम द्वारा वकीलों के साथ बहुत ज़्यादा बर्बरता की गई है, हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। हमारे कोर्ट में अनलीगल तरीके से वो कोर्ट के कर्मचारियों को पकड़ कर ले गए। जब उनको पेश कर रहे थे तो हमारे वकील साथी अपियर होने के लिए जैसे ही वकालतनामा लगा, उनका वकालतनामा फाड़ के फेंक दिया। बी के प्रेसिडेंट में वहाँ पे गया, वहाँ हमारे साथी उन्होंने बदतमीजी करी, धक्का मुक्का करी, मारपीट की, और जिसके खिलाफ इन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। हमने भी इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ऐसा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो वालों ने हमारे कुछ वकील साथियों के साथ बदतमीजी की है, जिसकी वजह से ये काम हुआ है। आपकी माने तो क्या विजिलेंस जो है क्या ना मैं गलत कार्रवाई कर रही है? जी हाँ, जब देखो उन्होंने जो उनकी कार्रवाई थी वो की, चलो मान लेते हम, लेकिन जो हमारी ड्यूटी है जब हम वकालत के लिए पेश हो रहे हैं, जमानत के लिए पेश हो रहे हैं, हमारे वकालतनामा क्यों फाड़े गए, समझे नहीं? और उनको ऐसी अथॉरिटी किसने दे दी कि हमारे वकालत? विषय ये है कि परसों तरसों यहाँ विजिलेंस के लोगों ने यहाँ के 3 या 4 क्लर्कों के ऊपर छापा मारा और छापे मार के उनको अरेस्ट किया। हमारा विरोध वकीलों का ये है कि उन्होंने जो ये इस तरीके से जो ये छापा मारा है ये गलत मारा है। उनको इंटीमेट करना चाहिए था कानून के मुताबिक, अगर किसी पर को केस कानून के मुताबिक बनता है तो अरेस्ट करना चाहिए। अचानक में इस तरीके से केस पकड़ना हमारी व्यवस्था में एक अवरोध पैदा करना है। आपकी माने तो जो है कल परसों जो हुआ है उस बात को लेकर है, लेकिन आप तो कह रहा हूँ 8 बार का इसका और वकील जो है क्या है, क्या है कारण? पहले वकील अपने लिए हड़ताल कर रहे थे, आज ये आपके लिए हड़ताल कर रहे हैं, आपके लिए और जनरल पब्लिक के लिए। हुआ ये था, आपको इन सारे इंसिडेंट का पता है, कोर्ट रूम में पकड़ के कोर्ट में मारे किसी आदमी को और बुरी तरह मारे, उसका मुंह सूजा हुआ हो। ये किसकी तरफ से जो है, किसने मारा, क्या हुआ है, पुलिस ने
कोई रेट डाली कोर्ट में, कोर्ट में बिना सेशन। फतेहपुर में अवैध मिट्टी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से खनन माफियाओं का अवैध धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। मिट्टी का अवैध खनन करके बिक्री की जा रही है। कई जगहों पर बिना अनुमति के जेसीबी से खुदाई तक हो रही है। खनन माफियाओं के हौसले इस हद तक बुलंद हो चुके हैं कि एक तो पहले अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वही धड़ल्ले से मिट्टी खनन का काम करते हुए हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो इतने धड़ल्ले से फतेहपुर में जो मिट्टी का खनन हो रहा है उस पर अधिकारियों द्वारा चुप्पी साधी गई और अधिकारी इस ओर ना तो ध्यान देते हैं और ना तो शिकायत मिलने के बाद कोई कार्रवाई करते हैं, जिस वजह से मिट्टी का खनन धड़ल्ले से हो रहा है। कासगंज में नगर के चौकसट्टी में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के बसपा प्रत्याशी मोहम्मद स्वाले अंसारी के मुख्य चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाज सेवी अब्दुल मुकीम सेठ ने कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने नागरिकों से बसपा के पक्ष में वोट देने की भी बात कही है। वह अध्यक्ष पद के प्रत्याशी स्वाले अंसारी ने कहा कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर कार्य करते हुए नगर का विकास किया जाएगा। इस मौके पर बसपा के पूर्व जिलाध्यक्ष भीमसेन, विधानसभा अध्यक्ष बबलू गौतम सहित कई लोग भी मौजूद रहे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद कासगंज के गंजोद्वारा स्वाले अंसारी साहब की आवास पर। आपको बता दूं कि जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सभी उम्मीदवार अपना वोट बैंक बढ़ाने में और वोटरों को लुभाने में जुटे हुए हैं। इसी बीच मेरे साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद गंजोद्वारा से अध्यक्ष पद के उम्मीदवार स्वाले अंसारी साहब। आइए इनसे निकाय चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। स्वाले अंसारी साहब, निकाय चुनाव नज़दीक है जी, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे मुद्दे यही हैं कि नगर का विकास बहुत ईमानदारी से सभी वार्डों में किया जाए बगैर किसी भेदभाव के। पिछले दौर में ज़्यादातर लोगों ने बहुत भेदभाव के साथ काम किया है और आप देखिए कुछ मोहल्लों में ऐसे रूट ख़राब हैं कि वहाँ पैदल चलना भी मुश्किल है। वो शिकायत में नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, और हर वार्ड में ईमानदारी से जहाँ ज़रूरत होगी वैसा काम कराया जाएगा, भेदभाव किसी के साथ नहीं होगा, बहुत ईमानदारी से। दूसरे ये कि गरीब तबका जो गरीबी रेखा से नीचे रहता है ख़ासतौर से, वो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स से बहुत परेशान रहता है। अब इसको ख़त्म करना हमारे कार्य क्षेत्र में तो है नहीं, सरकार को प्रस्ताव भेजना पड़ता है, हम उसके लिए प्रस्ताव पास कराकर सरकार को भेजेंगे कि ऐसे गरीब लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं उनका हाउस टैक्स माफ़ किया जाए, और जो भी रफात के काम है जनसेवा हो सकती है वो की जाएगी मगर किसी भेदभाव के। मेन मुद्दे तो यही है, और नगर पालिका के चेयरमैन के अख्तियार में भी यही है, सफाई सुथराई कायदे से हो जी, रोड सही पोजिशन में हो, ये जो सब उसके कार्य क्षेत्र में आते हैं वो काम सब ईमानदारी से और जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी कराने की कोशिश की जाएगी। कई बार आपने चुनाव लड़ा और हर बार आपको निराश हाथ लगी, क्या वजह रही है? वजह ये रही कि लोग अपने अपने तरह तरह से ध्रुवीकरण के हर हथकंडे अपनाते हैं, हम इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वोट के आसपास ही नाकाम होते रहे। तो इस बार हमको गरीबों के लिए जो काम करने वाली पार्टी है, बहुजन समाज के लिए जो काम करने वाली पार्टी है BSP बहुजन समाज पार्टी, उसका ऑफ़र मिला कि आप हमारे टिकट से लड़िए, ये सोच कर के हमारी जो कमी है वो भी इस पार्टी से पूरी हो रही है, और उनकी सोच भी अच्छी है गरीबों के लिए पर मजदूरों के लिए कुचले हुए लोगों के लिए। मैंने उसको प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए उनकी पार्टी ज्वाइन की और उसका वोट से हमारा कॉम्बिनेशन इतना मजबूत हो गया है कि हम अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता है तो इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। कपोटध्यान के शुभ अवसर पर केदारनाथ मंदिर में 35 क्विंटल फूलों से सजाया गया, वही 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु कपाटोद्यान की पावन बेला के साक्षी बने। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। बताते चले कि पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई है और रावल भीमाशंकर लिंग और पुजारी शिवलिंग एवं धर्माचार्यों द्वारा पूजा अर्चना की गई है। वही गायक के रूप में कुमार राठौर और
शेफाली राठौर ने भजन की प्रस्तुति भी दी है। लखनऊ में क्राइम ब्रांच और सर्विलांस टीम ने खुलासा किया है। दरअसल संयुक्त टीम ने एटीएम काट कर चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। गिरोह का सरगना सुधीर मिश्रा उर्फ एटीएम बाबा द्वारा अपनी टीम के सदस्यों के सहयोग से रेकी कर जिसमें गार्ड नहीं होते थे उन एटीएम को निशाना बनाता था। वही पकड़े गए सभी अपराधी बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनके ऊपर पहले से कई मुकदमे हैं। जिससे घटना के समय लगातार संपर्क बनाए रखा अभियुक्तों ने अपने एक दूसरे के बीच में, और जो प्रयुक्त बलेनों कार्ड थी वो बिहार के रजिस्ट्रेशन नंबर पर है BR30Q0951, बरामद एक अदद पल्सर मोटरसाइकिल UP32KK0734, बरामद धनराशि 913,500 रुपये, 3 अदद गैस पाइप जिसको काटने में वो लोग मतलब सिलेंडर में गैस भरने के काम आता है, 1 अदद सिलेंडर रेगुलेटर मैमीटर, 6 अदद आरी ब्लेड, 1 अदद बड़ा पेचकस, 2 अदद प्लास, 1 अदद हथौड़ी, 1 अदद। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।